हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक मैग्नेटलेस मोटर जिसे आप एसी और डीसी दोनों पावर सप्लाई से चला सकते हो। तो इसको किस तरीके से बनाया गया है इसकी पूरी जानकारी आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो अभी मैं इसका आर्मेचर बनाकर तैयार कर रहा हूँ, तो इसकी बाकी की चीज़ें बनाकर तैयार करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड, मैं इन लोहे की पत्तियों का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो सिलिकॉन स्टील का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर पुराने जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनका जो कोर होता है उनका भी यूज़ कर सकते हो, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि लोहे का कोर इतना सही नहीं रहता। या आप कोई भी पुराना आर्मेचर होता है उसका भी यूज कर सकते हो। तो मैंने इसका आर्मेचर बनाकर तैयार कर लिया है। इसकी वाइंडिंग करनी बाकी पड़ी है, तो इसकी वाइंडिंग भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जब तक मैं इसकी वाइंडिंग करता हूं तब तक आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, आपको मेरे चैनल पर इसी तरह की वीडियो और मिलती रहेगी। तो फ्रेंड, देख सकते हो मैंने आर्मेचर की वाइंडिंग करके तैयार कर ली है। अब इसकी एक बॉडी तैयार करनी पड़ेगी जिसके अंदर इसको फिट करना पड़ेगा। तो बॉडी तैयार करने के लिए मैं पीवीसी पाइप का यूज कर रहा हूँ। तो पीवीसी पाइप की सीट में से मैंने इस तरह का राउंड काट लिया है। उस राउंड के बीचों बीच में एक होल करना पड़ेगा, और फिर इस राउंड को लेकर इस पाइप के ऊपर इस तरीके से चिपका देंगे। तो मैं पीवीसी पाइप का टुकड़ा काट कर ही यहाँ चिपका रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ बेरिंग का भी यूज कर सकते हो, मुझे छोटी वाली बेरिंग नहीं मिली। तो भाई, मैं तो ठेड़ा गरीब लौंडा, मैं तो इसी तरह जुगाड़ लगाकर काम चला रहा हूँ। आप चाहो तो बेरिंग लगा सकते हो या किसी पुराने मोटर में से निकाल भी सकते हो। अभी मैंने पीछे इसके ढक्कन इसलिए लगाया ताकि बाद में कभी इसको खोलना पड़ जाए तो आप आसानी से खोल सकते हो। अभी मैं इस पत्ती से ही इसके ब्रशेस बनाने वाला हूँ। आप चाहो तो कार्बन के ब्रशेस मार्केट से ला भी सकते हो, लेकिन इससे भी काम चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड, ये काफ़ी हद तक बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस आर्मेचर को मैं इस बॉडी के अंदर फिट कर लेता हूँ।
तो इसके अंदर डालना है, इसको थोड़ा सा हार्ड काम है, तो क्योंकि ब्रशेस को भी देखना पड़ता है, उस होल के अंदर भी इसको डालना पड़ता है, तो मैं इसको फिट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। तो अभी फ्रेंड मैं इसकी फील्ड बनाने वाला हूँ, इसकी फील्ड बनाने के लिए इस नट बोल्ट का इस्तेमाल करूँगा, तो इसके को यहाँ पर चिपका कर इस पर वॉयल पेट देंगे। फ्रेंड आप चाहो तो यहाँ पर मैग्नेट भी लगा सकते हो, लेकिन मैं मैग्नेट नहीं लगाऊंगा, मैं बिना मैग्नेट वाली इसको बनाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड इसकी फील्ड की भी वाइंडिंग कर लेते हैं, और मैं मार्केट से 100 ग्राम कॉपर का वायर लाया था, तो उसमें से काफ़ी सारा वायर बच गया। तो फ्रेंड अगर आप मार्केट से पुरानी मोटर लाकर उसे रिपेयर करते हो तब भी कॉपर का वायर उतना नहीं लगेगा, 300 से 500 ग्राम में आपका काम हो जाएगा। तो फ्रेंड मैंने ऑलरेडी एक मोटर का वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने मिक्सर ग्राइंडर का आर्मेचर से एक मोटर बनाई है, तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन या एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो फ्रेंड मैंने इसके अंदर बेयरिंग नहीं लगाई, इस कारण इतनी आवाज़ कर रहा है, और इसका आर्मेचर बैलेंस नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको इंजन लगाना होगा, या फिर आप बना बना आर्मेचर ले सकते हो, तो वो ज़्यादा बढ़िया काम करेगा किसी पुरानी मोटर का। फ्रेंड ये 555 या 775 के आसपास आती है, तो इसको इतना बेहतर कहना भी सही नहीं होगा, तो अगर आप इसे और भी बड़ा बनाते हो तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकती है। तो फ्रेंड ये होममेड है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।